हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड स्पीक। पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट अनाउंसमेंट टुडे। एंड गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये आदमी को हैंडल करना कोई आसान एंड कोई मामूली बात नहीं होने वाली है, बिकॉज दिस मैन इज द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। इनकी हिस्ट्री रही है, ये अपने मन की मर्जी के मालिक है। एंड गाइस, हिज एटीट्यूड, हिज चार्म, हिज मूव्स इन द बॉक्सिंग रिंग इज अनमैच्ड एंड अनपैरेलल्ड। एंड यस, हमारी बचपन की यादें इस तरह से है कि इन भाई साहब ने किसी सामने वाले बॉक्सर का कान काट दिया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट मैच स्पेसिफिक इंसिडेंट, एंड ये इंसिडेंट हमेशा दिमाग में छप चुका था। एंड जिस तरह से इस बंदे की स्टाइल थी, एटलीस्ट व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू बी शिट स्कैर्ड ऑफ दिस मैन, एंड दिस मैन वाज कॉल्ड एज द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। एंड गाइस, इसका स्टाइल, इसका स्वैग, एंड जिस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनका स्पेशली टैटू जो है, ही इज अ लेजेंड व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट। इनका हाथ पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। द किड डायनामाइट, द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम, द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम 1987 टू 1990, टाइसन, माइक टाइसन। यस फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि माइक टाइसन के बारे में मैं यहां क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि माइक टाइसन हैज बीन रोप्ड इन विद नन अदर देन विजय देवरकोंडा, यस फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ टुडे। लाइगर, यस लाइगर, जो पैन इंडिया फिल्म थी, जो धर्मा, पुरी जगन्नाथ एंड चार्मी मिलकर बना रहे थे, उसके लिए वन एंड ओनली Mike Tyson is going to come face to face with none other than the original, the Arjun Reddy, Vijay Devarakonda. Abhi sham ko announcement hui hai and I was shocked. Look at the poster, guys. Fabulous. Vijay Devarakonda half-faced, Mike Tyson half-faced, and guys, Mike Tyson ko chota mota naam nahi hai. He has won his first 19 fights by knockout. 12 नॉकआउट तो पहले राउंड में पीटा था उसने, एंड 20 वर्ष की उम्र में ही यहां पर उसने इतना कांड कर दिया था कि ही बिकेम अ सेलेब, नहीं लेजेंड, डे बाय डे। एंड गाइस, अब वो इस फिल्म में यहां पर आ चुके हैं गाइस, एंड अब विजय देवरकोंडा ने खुद अपने हैंडल से अनाउंस किया है। विजय देवरकोंडा उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पर छोटा टीजर भी लिखा है, वी प्रोमिस्ड यू मैडनेस, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन स्क्रीन, पहली बार किसी हिंदी फिल्म में ज्वाइनिंग अ मास स्पेक्टिकल लाइगर, द बैडेस्ट मैन ऑफ प्लैनेट, द गॉड ऑफ बॉक्सिंग, द लेजेंड, द बीस्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नमस्ते टाइसन, माइक टाइसन। सो गाइज, माइक टाइसन यहाँ पर लाइगर में आ चुका है, एंड लाइगर यहाँ पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में आएगी। एंड विजय देवरकोंडा ने पहले ही बता दिया था कि मैं ये फिल्म थिएटर्स में लाऊंगा एंड ये बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी। रिलीज डेट अभी नहीं अनाउंस किया है धर्मा ने, धर्मा भी वायरस की तरह अपने जो रिलीज डेट्स है उस पर काबू रखा हुआ है। धर्मा के पास भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ब्रह्मास्त्र है, जुग जुग जियो है, एंड उसके बाद लाइगर है, दे हैव ऑल, बहुत सारी फिल्में हैं। ओके, तो वो भी अपने रिलीज डेट्स जो है वो आराम से अनाउंस करेंगी, एंड आई थिंक दिस विल टेक अ वेरी बिग डेट इन 2022। ओके गाइस, इंतजार रहेगा 2022 में ये कब आएगी, एंड इसमें अनन्या पांडे भी है, रम्या कृष्णा है, मैंने बहुत बड़े वीडियो में बनाया है लाइगर पे। फिलहाल गोवा में इसके जो फाइट सीक्वेंसेस है वो इंटरनेशनल फाइट आर्टिस्ट के साथ बाकायदा रिंग बनाकर शूट किए जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा एंड कॉनरोज, यानी कि ब्रेडेड हेयर स्टाइल, इज लुकिंग लाइक अ ड्रीम, एंड द एक्शन सीक्वेंसेस आर बीइंग पिक्चराइज्ड लाइक अ ड्रीम। अभी फिलहाल शूटिंग यहाँ चल रही है, तो उसके बाद पूरी की पूरी शूटिंग जो है वो ओवरसीज जाएगी। म्यूजिक लाइगर का, मार्क माय वर्ड्स, विल बी द हाईलाइट, आई थिंक द बेस्ट एल्बम कहूंगा विल कम फ्रॉम लाइगर, मार्क माय वर्ड्स, जब आएगा तो एपिसोड याद रखना। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आई यू एक्साइटेड? विजय देवरकोंडा वर्सेस माइक टाइसन, इट्स गोना बी अ फाइट ऑफ द टाइटंस। एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।